बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय से शनिवार को एक जुलूस निकालकर सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया गया। इस दौरान सांसद निशिकांत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। बताया गया कि निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड को विभाजन करने की बात की गई, उसी के विरोध झामुमो जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद शहनवाज अंसारी के नेतृत्व में निशिकांत का पुतला दहन का जुलूस निकाला गया। शहनवाज अंसारी ने कहा कि निशिकांत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकास कार्य को देखकर, उनकी लोकप्रियता को देखकर, अपनी राजनीति जमीन को घिसकते हुए देखकर परेशान हो गए हैं, इसलिए झारखंड को तोड़ने की बात कर रहा है। झामुमो निशिकांत के विभाजनकारी नीति को कभी सफल नहीं होने देगा। ये भाजपा के द्वारा संघीय ढांचा पर गहरा प्रहार है। शुरू से ही भाजपा संविधान विरोधी बात करता रहा है और ऐसे में निशिकांत का ये बयान शर्मनाक है। उसे झारखंड की जनता से माफ़ी मांगनी होगी। कार्यक्रम में प्रमिला मेहरा, ज्योति सोरेन, निर्मलाल किशकु, दिलीप रजक, अभय सिंह, मोहम्मद तूफान, मोहम्मद मेहताब मिर्जा, मोहम्मद नसीम, राकेश रंजन, मंगल सोरेन, नीलकंठ मंडल, सबीर मुखिया, मकसूद अलीक, सोनू, मोहम्मद अनवर, वासुदेव मंडल, देवचरण दास सहित कई लोग मौजूद थे। झारखंड में जिस तरह विभाजनकारी बात निशिकांत दुबे सांसद में कर रहे हैं, उसने कहा है कि बिहार और झारखंड के कुछ संथाल के हिस्सों को मिला करके केंद्र शासित राज्य का घोषणा कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कारण बताया कि यहाँ पर घुसपैठ हो रहा है, जिसके कारण वो विभाजन करना चाहते हैं। ये विभाजनकारी नीति भाजपा की दोहरी मानसिकता हमेशा से झारखंड के प्रति रही है। चाहे झारखंड में फंड देने का मामला हो, उसमें भी ये दोहरी नीति अपनाते हैं। झारखंड के विकास कार्य हो, उसमें भी रोड़ा अटकाने का काम भाजपा करती है, निशिकांत दुबे करते हैं, और बराबर झारखंड में फूट डालने की कोशिश करते हैं। आज लोगों के पीछे फूट डालने के लिए ये बात बोला जा रहा है। निशिकांत दुबे का किसी तरह का भी कोई भी बात, झारखंड की हर एक जनता उसका जवाब बहुत जोर से देगी और ये विधानसभा चुनाव में भाजपा का पत्ता साफ करने काम करेगी।